आज मैं बात करने जा रहा हूं मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपका स्पंदन कोई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे से उपाय जो करके आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। स्पंदन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिस शास्त्र का इस्तेमाल आप सुबह से शाम तक करते हो। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि कौन से ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर पड़ता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मूलांक बन के, और किस तरह से उस स्पंदनों को यूटिलाइज करना है ताकि आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आने से कोई रोक ना पाए, आज मैं बात करने जा रहा हूं मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपका स्पंदन कोई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे से उपाय जो करके आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के बारे में, जिसको मैं अपनी भाषा में स्पंदन शास्त्र कहता हूं। हम सुबह से शाम तक स्पंदनों के बीच में घिरे हुए होते हैं। कभी हम किसी को नाम से पुकारते हैं, कभी कोई हमें नाम से पुकारता है, कभी हम अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर करते हैं, कभी हम किसी का मोबाइल नंबर लेते हैं, कभी हम अपने घर का पता किसी को देते हैं, कभी किसी के घर का पता हम लेते हैं। तो इसका मतलब सुबह से शाम तक या हम अल्फाबेट्स या नंबर्स के अंदर जो है वो रहते हैं, हम हर वक्त या अल्फाबेट्स या नंबर जो है वो बोल रहे होते हैं। तो ये जो शास्त्र है ना, ये अंक शास्त्र है यानी कि न्यूमरोलॉजी यानी कि स्पंदन शास्त्र। स्पंदन किस तरीके से काम करते हैं पहले हम ये समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हम इस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और सोलर सिस्टम में भगवान श्री सूर्य नारायण के आसपास सभी ग्रह जो है वो विचरण करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो चीज हिलती है, जिसके अंदर मूवमेंट है, उसके अंदर कंपन है यानी कि उसके अंदर स्पंदन है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, उस दिन ग्रहों की कंपन कैसे थी और वो पृथ्वी पर उस जगह पर कैसे आ रही थी जहां पर आपका जन्म हुआ, उसको स्टडी करना है इस अंकशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र। तो पहले ये जानते हैं मूलांक किस तरीके से निकाला जाता है। आपका जन्म 1 तारीख से 31 तारीख तक किसी भी तारीख को क्यों ना हुआ हो, आपको उन दो अंकों को जोड़ के सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है। यदि आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है तो यानी कि 0 और 6 को मिलाकर के बन जाएगा 6। यदि आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 1 और 5 को मिलाकर के बन जाएगा 6। यदि आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है तो 2 और 3 मिलाकर के बन जाएगा 5। तो ऐसे करके आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो छोटे से उपाय जो आपके मूलांक के मुताबिक आपको जिंदगी में बेस्ट रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है तो इसका मतलब आप भगवान श्री सूर्य नारायण की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण ना एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर मान प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं, एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर ना कमिटेड बनाते हैं, अपने वादे पर पक्का बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमिटेड नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है या आपकी मान प्रतिष्ठा के अंदर कमी है, तो एक छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको केसर की 3 पंखुड़ियां ले लेनी है, उसे तांबे की एक छोटी सी डिबिया के अंदर डाल करके उसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ना आत्मिक बल बढ़ जाएगा, आपकी ऊर्जा डबल हो जाएगी और आप लाइफ के अंदर मान प्रतिष्ठा भी पाना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ में अपने पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलिए, क्योंकि पिता जो है ना साक्षात सूर्य नारायण का स्वरूप है। अगर आपका मूलांक 2 है तो इसका मतलब आप चंद्र की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। चंद्रमा ना एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर सौम्यता को ऐड करता है। चंद्रमा एक व्यक्ति को लोगों के साथ जोड़ता है। चंद्रमा एक व्यक्ति को लोगों की भावनाओं को कैसे ध्यान रखना है वो बताता है। चंद्रमा एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर ना पैसे के फ्लो को सुनिश्चित करता है। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर पैसे का बहाव जो है वो कम है, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको गोल्डन कलर का मोती लेना है, उसको पीले रंग के कपड़े में बांध के उस कपड़े को आपको अपनी दाहिनी बाजू पे बांध लेना है किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन। ये छोटा सा उपाय ना आपके चंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा और साथ ही साथ में अपनी मदर यानी कि अपनी माँ
का आशीर्वाद लेना ना भूलिए, ताकि माँ के आशीर्वाद से आपकी चंद्र की ऊर्जा और ज्यादा अच्छी हो जाए। अगर आपका मूलांक 3 है तो इसका मतलब आप बृहस्पति देव की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, और बृहस्पति देव की ऊर्जा ना एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर विधि देती है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन का कारक बन जाएगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस फैलना शुरू हो जाएगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हायर स्टडीज की ओर चले जाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ना प्रमोशन नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन नहीं मिल रही, आप स्टूडेंट हैं, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे, और अगर आप घर की महिला हैं तो आपको संतान सुख में अगर कमी है, तो इसका मतलब बृहस्पति की ऊर्जा सही करने का समय है। छोटा सा एक उपाय करेंगे, क्या करना है, आपको कच्ची हल्दी की एक गांठ लेनी है, उसे सफेद कपड़े में बांध के अपने दाहिने बाजू के ऊपर उसको बांधना है किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन। ये उपाय ना आपको लाइफ के अंदर हर वो चीज दिला देगा जो आप चाहते हैं, और साथ ही साथ में अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना मत भूलिए, क्योंकि गुरु की ऊर्जा तभी प्रबल होगी जब आपके साथ गुरु का आशीर्वाद जुड़ा हुआ होगा। यदि आपका मूलांक 4 है, इसका मतलब आप राहु की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। राहु की ऊर्जा अगर सही होना तो आदमी को लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता, पर यदि राहु की ऊर्जा खराब हो जाए ना तो आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है, गलत संगत का शिकार हो जाता है, दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं रहता। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक छोटा सा उपाय, क्रिस्टल में एक क्रिस्टल आते हैं जिसको हम बोलते हैं जेड, जेड के क्रिस्टल के बने गणेश जी का एक लॉकेट ले लें और उसको अपने गले में धारण करें, या आप एक छोटी सी प्रतिमा लेकर के भी उसे अपने पास रख सकते हैं। यदि आप गृहिणी हैं तो घर के अंदर मंदिर में रखिए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडी टेबल पर रखिए, यदि आप एक दुकानदार हैं तो अपनी दुकान पर रखिए, यदि आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस में अपने साथ रखिए। आप देखेंगे राहु की ऊर्जा ना प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, स्वीपर्स को कुछ ना कुछ जरूर देंगे ताकि राहु की ऊर्जा आपको उत्तम रिजल्ट दे पाए। यदि आपका मूलांक 5 है ना, तो इसका मतलब आप बुध की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं, और बुध एक व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, बुध एक व्यक्ति को बिजनेस के स्किल्स सिखाता है, बुध एक व्यक्ति को लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा देता है, बुध एक व्यक्ति की मेमोरी को बहुत शार्प करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपका दिमाग चल नहीं पा रहा, अगर आपको लगता है कि आप याद करते हैं और याद नहीं रख पाते, तो इसका मतलब प्लैनेट की बुध की एनर्जीज को सही करने का समय है। छोटा सा एक उपाय, छोटी हरी इलायची जो है उसको 5 दाने ले लीजिए, उसको हरे कपड़े में बांध के अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, आप देखेंगे आपकी बुध की एनर्जी सही होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ में दादी, बुआ और बहन, इनका प्यार लेते रहिए, इनका स्नेह लेते रहिए, इनका आशीर्वाद लेते रहिए, आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर आपका मूलांक 6 है ना, तो इसका मतलब आप शुक्र की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं, और शुक्र की एनर्जीज क्या करती हैं, एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर ना एक व्यक्ति को लग्जरी देती हैं, एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर ना उसको शादी का सुख देने का कारक है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी की कमी है, शादी के सुख के अंदर कहीं कमी है, या आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो खराब है, या आपको ये लगता है कि आप नई चीजों को सीख नहीं पा रहे, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब शुक्र की एनर्जीज खराब है। क्या करना है, एक छोटा सा उपाय, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप ये उपाय शुरू करेंगे और इसे फिर रोज करेंगे। स्नान करते समय अपने पानी के अंदर आपको क्या करना है, गुलाब जल डाल लेना है थोड़ा सा, और उससे स्नान करना है। आपकी शुक्र की एनर्जीज ना बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, आप लाइफ के अंदर लग्जरी को इनवाइट कर पाएंगे, आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और अपने आप को ग्रूम भी करना शुरू करेंगे। और एक छोटा सा उपाय, ध्यान रखिएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपको संबंध अच्छे रखने हैं। अगर आपका मूलांक 7 है, इसका मतलब आप केतु की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं। केतु एक व्यक्ति को ना स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ता है, केतु एक व्यक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ता है, केतु एक व्यक्ति को इंट्यूटिव बनाता है। पर यही केतु की ऊर्जा अगर खराब हो जाए ना, तो आदमी को बुरे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, आदमी ना नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो छोटा सा एक आप उपाय करेंगे, आप अपने पैर के अंगूठों पर या सफेद धागा या चांदी का एक छल्ला डाल लें, आप देखेंगे आपके नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर ना हैप्पीनेस आ जाएगी, और ध्यान करने में भी आपका मन जो है लगना शुरू होगा। साथ ही साथ में स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना ना भूलिए, क्योंकि डायरेक्टली
केतु के एनर्जी श्री डॉक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपका मूलांक 8 है, इसका मतलब आप शनि की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। और शनि की ऊर्जा क्या है? एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर मेहनत का फल देती है, एक व्यक्ति से मेहनत जरूर कराती है पर फल को सुनिश्चित करती है। जब शनि की ऊर्जा खराब होती है ना, तो डिलेस का सामना करना पड़ता है, आपके हर काम में ऑब्स्टेकल नजर में आती है, आपके शरीर के अंदर दर्दें रहनी शुरू होती हैं, आपको कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये सब परेशानी आ रही है ना, तो छोटा सा एक उपाय करेंगे, अंधे लोगों की सेवा करनी शुरू कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए और जो उनकी स्टिक्स होती हैं जिसको पकड़ के वो चलते हैं, उसका जो है वो दान कीजिए। आप देखेंगे शनि की ऊर्जाएं बेस्ट हो जाएंगी, और साथ ही साथ में अपने सेवादारों को खुश रखिए, उनको समय पर सैलरी देते रहिए, उनके साथ नजायज कुछ भी मत कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर शनि की ऊर्जा ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो गई है। अगर आपका मूलांक 9 है, तो इसका मतलब आप मंगल की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं, और मंगल की एनर्जीज जब पॉजिटिव होती हैं तो आदमी को कर्म प्रधान बनाती हैं। मंगल की एनर्जीज अगर सही होती हैं तो आदमी जिंदगी के अंदर ना कभी भी हारता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है, और अच्छी सेहत उसे मिलती है। जब भी मंगल की एनर्जीज खराब होती है ना, तो आदमी कर्महीन हो जाता है, आदमी की सेहत जो है वो खराब रहनी शुरू होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, तो छोटा सा एक उपाय किया गया आपकी लाइफ के अंदर बहुत हैप्पीनेस ऐड कर देगा। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको अपनी अनामिका फिंगर के अंदर बिना जोड़ का तांबे का छल्ला डालना है, जिससे आपके मंगल की ऊर्जा ना सही हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि तांबे के अंदर बना हुआ खाना खाएं, आप देखेंगे आपका आत्मिक बल बहुत मजबूत हो गया, आपके अंदर ऊर्जा का बहाव जो है बहुत अच्छा हो गया। ये एक उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। और साथ ही साथ में अपने छोटे भाई जो भी हैं या छोटे भाई समान जो भी हैं, उन्हें प्यार करते रहिए, उनका स्नेह जो है वो लेते रहिए। ये सब छोटे छोटे से उपाय करके ना आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां आ जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और जो लोग ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप के साथ अभी तक नहीं जुड़े, फेसबुक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे दिया गया है, ग्रुप पे जुड़िए, ताकि जब भी मैं लाइव हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर पाऊँ। आज्ञा चाहता हूँ, जब तक के पुनः से आपके साथ मुलाकात ना हो, अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ। जय श्री राम।